नमस्कार, मैं भूपेश सिंह अक्षय सीट से, और हम यहाँ पे रोनहे गांव में आए हैं जो आपका बारियातू ब्लॉक पे पड़ता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड। और हम यहाँ अक्षय सीट का खीरा बिराज के प्लॉट पे आए हैं। तो यहाँ पे हमारे किसान हैं जो लगाए हुए हैं, यहाँ पे चार पत्ता लगाए हैं, इनका नाम करम राम करम भगत। तो करम जी, ये जो खीरा लगाए हैं, ये क्या पहली बार लगाए, किसके पहले भी लगाए? पहले भी लगाए थे, इस साल भी लगाए। इस खीरा में आपको क्या खासियत नजर आता है? ये खीरा में खासियत यही है कि इसका फल हर गांठ में आता है। हर गांठ में आता है इसका, मैंने पूरा देखिए, हर गांठ में फल पकड़ते जाता है। और जहाँ इसका जन्मेशन के बाद जहाँ एक हाथ उसका लार चला, इसके बाद फल देना, फल मतलब 30-35 दिन में आ जाता है। हाँ, 30-35 दिन में आ जाता है। बाजार में ले जाते कैसा पसंद करता है भाई? फल तो ऐसे शिकायत कोई नहीं करता है, कहता है कि बहुत अच्छा फल है। फलन क्षमता कैसा है? फल क्षमता वो एक हरा टाइप है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, मैंने साइज मीडियम ठीक है। मैंने अभी तक जितना भी खीरा लगाए थे उससे आपको ये उपज में आपको ज़्यादा दे रहा है? हाँ, ज़्यादा दे रहा है। और बारिश में जैसे बहुत सारा खीरा में क्या होता है कि फूल ज़्यादा आता है। हाँ, इसमें फूल वाला शिकायत नहीं है। तो और सब किसान को आप क्या कहेंगे, जो और किसान खीरा लगाने वाले हैं उनके बारे में? उनको लगाने वाला कि मैं कहेंगे कि खीरा बहुत अच्छा है, खीरा तो लगाइए और पैसा कमाइए। एक बार थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, ये देख सकते हैं कि कैसे हर गांठ में इसका फल है, देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो ये खीरा में खासियत क्या है? ये 32-35 दिन के अंदर ये फल आ जाता है, टूट जाता है। हाँ, और इसका हर गांठ में जो है आपका फल आता है। हाँ, और बाजार में क्या है, इसका साइज भी सुंदर है आप, हाँ, तो मतलब दूसरे वैरायटी से आपको ये महंगा दिखता है। हाँ, एक रुपया आठना जो भी होगा, लेकिन महंगा दिखता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।